I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Assalamualaikum guys, so जैसे कि आप लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम है हमाद सेफ, और अगर नहीं जानते तो बहुत जल्द जान जाएंगे। So आज के व्लॉग में मैं आपको मिलाऊंगा अपने बेस्ट फ्रेंड से, जो कि एक अपकमिंग सेलिब्रिटी है। साथ साथ आपको ये भी दिखाऊंगा कि पाकिस्तान में शूट्स किस तरह होती है, क्योंकि आप लोगों ने टीवी वगैरह पे तो बहुत शूट्स देखी होंगी लेकिन लाइव कभी नहीं देखी होगी। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ शूट किस तरीके से होती है, और साथ साथ आपको मिलाऊंगा जो इस शूट पे मेरे जो भाई हैं वो एक करेक्टर भी कर रहे हैं माशाल्लाह से, और वो एक अपकमिंग सेलिब्रिटी भी हैं। यू नो कि मैं ना प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन आई होप कि आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, प्रोफेशनल होने में मदद करेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है आप पे, ठीक है। तो चलो आओ मिलते हैं फिर वहाँ से आकर। एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, आप में से बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त, मेरे भाई और उनकी बहनें ऐसी होंगी जिनको शोबीज़ में जाने का बहुत शौक होगा, तो ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े बहुत लिंक्स मेरे ऐसे हैं कि मैं आपको एंट्री ज़रूर दिलवा सकता हूँ। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे DM करें, और लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आओ मैं तुम्हें ना उससे मिलवाता हूँ। और फाइनली मैं पहुँच गया हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ अंदर जाकर के शूट का माहौल कैसा होता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर कैमरा वगैरह सब रेडी है, आर्टिस्ट भी रेडी हैं, और लाइटिंग वगैरह भी, और बस अब शूट शुरू होने वाली है। कैमरा रेडी, अगर मामा प्लीज आप बस ये समझने की मैंने हमारे घर को तारीखियों से बचा लिया। जवाद ये क्या कर रहे हो, सब लोग देख रहे हैं। अब आप ये समझ लें जो भी करें सबकी भलाई की, मगर बेटा मामा प्लीज आप ये समझें कि मैंने हमारे घर को तारीखियों से बचा लिया। एक बार जवाब रुको तो एक बार। और फाइनली मैं जिसके पास आया हूँ, जिससे मिलने आया हूँ, उसने तो मुझे टाइम दिया नहीं। खैर ये देखो अभी ये छुपके से आ गए, उस टाइम पे जब बुला रहा था तब तो टाइम दिया नहीं इन्होंने, शूट में मगन थे, भाई सेलिब्रिटी थे मेरे, और सेलिब्रिटी वाला बिहेव भी करा है इन्होंने आज बहुत माशाल्लाह से। खैर वैसे ये पार्ट टाइम में व्लॉगिंग भी करते हैं, वैसे तो इनके पास टाइम नहीं होता ना। मैं तो बाकी लिंक तो इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ही, लेकिन साथ साथ ये है कि सपोर्ट करें इसे भी माशाल्लाह से। आने वाले वक्तों में आप इसे एक सेलिब्रिटी के रूप में देखेंगे, तो अभी से चेहरा पहचान लो भाई, बाद में पता नहीं मौका मिले ना मिले। और सीरियसली यार, मतलब आज की जो ये शूट थी ना, हालांकि मेरी नहीं थी लेकिन फिर भी ना एक्टरों से ज़्यादा मैं थक गया। और आप में से जो जो हैं ऐसे मेरे भाई या बहन जिनको आना है मॉडलिंग की तरफ, एक्टिंग की तरफ, तो कुछ लिंक्स हैं मेरे भी, मैं आपको करवा दूंगा इंटर, क्योंकि यार ये जो फर्स्ट स्टेप है ना,
ये बड़ा मुश्किल है इंटर होना। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और साथ साथ आप मेरे इंस्टाग्राम पे DM में भी मैसेज कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं आप लोगों को अपने इसी चैनल के ऊपर टैटू की व्लॉग भी दिखाऊंगा। अब मैं यार बेसिकली मैं ना टेम्परेरी टैटू था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने आप को स्विच करूँ परमानेंट टैटूज की तरफ, क्योंकि आपको पता है परमानेंट टैटू की डिमांड है। तो मैं सोच रहा हूँ अब परमानेंट टैटू की तरफ आऊँ, तो इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाऊंगा। तो चेक कर रहे हैं आप, शूट के बाद ऐसा सन्नाटा हो जाता है सेट पर मतलब कोई दिखता ही नहीं है ना बिल्कुल। चलें, जब कोई दिख नहीं रहा तो मैं आपको सजावट ही दिखा देता हूँ कि देखें हमारे लाइट वाले बॉय ने कितनी मेहनत करी है सेट को सजाने में। और ये मेहनत ये लोग हर सेट पर करते हैं, कभी कभी तो इससे भी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। हम भी देखते हैं और परेशान हो जाते हैं कि क्या भाई बहुत मेहनत हुई है। और आप देख सकते हैं शूट के बाद सस्ते टिकटॉकर्स भी हैं यहाँ पर, और यू नो के शूट पे तो आपको पता है बोलने देते नहीं हैं यहाँ पे, बहुत बात पे ना साइलेंट करा देते हैं। तो इसलिए मैं अपनी व्लॉग के अंदर कुछ ज़्यादा बोल तो पाया नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला मैंने वहाँ पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सब बता सकूँ। चलिए इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं आपको जितना हो सके उतना बताऊँ। और इसी के साथ अपने भाई को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। और फाइनली पैकअप हो गया है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।